लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो जरा बताओ, भाई का फर्ज है कि नहीं कि बहन की तकलीफ और दुख को दूर करे? भाई का फर्ज होता है कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है, बेटा भी अभी नीचे कर लो, फिर बाद में मिलते हुए जाऊं। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो राखी बंधवाने के बदले कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? जोर से बोलो, देता है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि तू भी तो भाई है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा। ये मैंने तय किया। बताओ, इसके पहले कभी खाते में पैसा कोई ने डाले थे क्या? और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले हैं। और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1,32,00,000 बहने हैं मेरी। कितनी बहने हैं मेरी? अरे बोल के बताओ, 1,32,00,000। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, तो पैसा बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने कहा था, मेरी बहनों, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। ताली आली तो बजाओ, तुम ताली नहीं बजा रही। फिर 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा कि अब मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और मेरी बहनों, आज मुझे बताना, ये पैसा जब से आपके खाते में आया है तो जिंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अरे सब बहनें बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? मैंने बहन से पूछा, क्या बदलाव आया? तो कह लगी, सास घर में बड़े प्रेम से बात करती है आजकल, और कहती बहू के रुपया तो आ रहे, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ। और एक बहन बोली कि अब तो मेरे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, धन्नू की मम्मी कैसी हो? उनके भी भाव बदल गए। और ये बात गलत नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ, सही है कि नहीं? क्योंकि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये पैसा है जिसके कारण जरूरत भी पूरी होती है और सम्मान भी होता है। इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं दिया मैंने आपको, आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है, आपका हक दिया है, आपका अधिकार दिया है। और इस सम्मान पे मेरी बहनों, कभी आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी समस्या हल करने के लिए जीऊंगा। और केवल एक चीज नहीं मेरी बहनों, कई बहनों के पास, भाइयों के पास अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, कई को मकान मिल गया, लेकिन कई के नाम छूट गए। जो आवास प्लस की योजना है उसमें भी नाम नहीं आए। तो कई बहनें कहती थी कि हमारा तो नाम आवास प्लस पे भी नहीं है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है,
प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान नहीं मिला उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना और उसके आवेदन भरवा रहा हूं, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद जांच करके जिन बहनों के पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, हम देंगे। बोलो सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा अधिकार है, अधिकार। अब कुछ लोगों को जलन हो रही है कि ये पैसा क्यों दे रहा है भाई, तुम्हें क्यों तकलीफ है, पैसा क्यों दे रहा हूं? अरे बहनों की जरूरत है तो पैसा दे रहा हूं। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया, 2000 की 3 किस्तें। तो मैंने भी तय किया 6000 मैं भी दूंगा, कल ही खाते में पैसा डाले। बताओ डाले कि नहीं डाले किसान भाइयों? कल ही 6000, कल 2000 डाले, इसके पहले 2000 डाले थे। अब साल भर में किसान के खाते में भी 12000 रुपया आएंगे, पहले 2000 पीएम साहब के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। अरे किसान भाइयों, तुम भी ताली बजाओ ना यार, बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या, और कोई ने दिया था क्या? अच्छा जरा परिवार की सरकार कैसी होती है अंदाज लगाओ, 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं और 1000 भाई के आ रहे हैं, 2250, और दो भाई और उनकी दो पत्नी हुई तो 4500 रुपया, और 3 हुई तो कितने आएंगे, 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन देने की व्यवस्था की, फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था, हर महीना पैसे खाते में डालना, और बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना, और सुनो बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए वो भी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए, आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास सब बना रहे। और बहनों और भाइयों ध्यान से सुनना, अपने बेटा बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कहीं बड़े कॉलेज में हुआ तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। अरे बच्चे दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं 5वीं पास करके 6वीं में, तो मैंने साइकिल के 4500 रुपया डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव गए तो साइकिल के 4500 रुपया डाले, और 12वीं में अच्छे नंबर लाए 75%, तो मामा ने लैपटॉप के 25000 खाते में डाले। और अब तो यह भी तय किया है कि 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। बताओ अपने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को स्कूटी मिलना चाहिए कि नहीं? चिंता मत करो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है, इसलिए सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके। और बुजुर्गों, कांग्रेस ने मेरी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, ट्रेनें चलाई नहीं, सबको तीर्थ यात्रा, गरीब को भी जाना चाहिए कि नहीं? तीर्थ पहले रेल से भिजवाता था, अब गरीब हवाई जहाज से भी तीर्थ जाएंगे, हवाई जहाज से। यह परिवार की सरकार। रसोई गैस का कनेक्शन महंगा हो गया था, बहनों का भैया दिक्कत हो रही है तो आज ही मैंने पैसा खाते में डाले, 36 लाख बहनों के खाते में। मध्य प्रदेश में अब रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन केवल 450 रुपया में दिया जाएगा, 450 रुपया में, ताकि बहनों की रसोई
बिना किसी अवरोध के चलती रहे। और आज मैं अपने बेगा भारिया और सहरिया बहनों से भी कहने आया हूं, तुम्हारे लिए हमने योजना बनाई जिसमें सबसे पहले 2017 में 1000 रुपया बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में मैं डालता था। लाडली बहना योजना बन गई, लाडली बहना के अब 1250 हो गए। तो मेरी बेगा बहनों, भारिया बहनों, सहरिया बहनों, आज यहां से तुम्हारे खाते में 1500 रुपया डालने वाला हूं, सीधे 1500। जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है उनको 1500 रुपया महीना उन बहनों को दिया जाएगा। तो हमारा जो अभियान है वो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूं डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो यह सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम जो हमारे साथ, हम उसके साथ। और इसी संकल्प के साथ मैं पहले बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में अभी वो सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा डालने वाला हूं। उसके पहले आप मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आप संकल्प लेंगे कि हम मामा के साथ हैं, हम भाजपा की सरकार के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अब ये सिंगल क्लिक वहीं से करना है क्या? सिंगल क्लिक कहां से करना, पहले करने दो ना। पहले सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़े, अभी मुझे रास्ते में ट्राइबल अंशकालीन जो कर्मचारी है उनके रसोईया मैंने बढ़ा के 4000 किए, 2 से उनके रह गए थे तो उनके भी 4000 में कर रहा हूं। पेशा मोबिलाइजर के भी 4 से 6000 कर रहा हूं। मेहदवानी कॉलेज का नाम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पर रखने का भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी बांध देखो किसान भाइयों, बिना सहमति के कोई बांध नहीं बनेगा, किसी की जमीन मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा, आप चिंता ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप परिवार की तरह मध्य प्रदेश का नेतृत्व, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से आहार अनुदान योजना के तहत